दोस्तों लेजेंडरी बाइक मेकर रॉयल एनफील्ड ने अपने नया एक्स सीरीज का लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बुलेट केएस यानी कि किक स्टार्ट जो बेस मॉडल है उसका एक्स मॉडल दिखाऊंगा, बुलेट एक्स 350। और इसमें नया क्या है दोस्तों, अगर हम लुक्स के हिसाब से देखें तो हमें पहले बहुत सारे क्रोम पार्ट्स देखने को मिलते थे, अभी बहुत सारी जगहों पर ब्लैक दिए गए हैं, क्रोम बहुत ही कम इसमें आपको मिलेगा। और आप देख सकते हैं टैंक के ऊपर जो आपको लिखा हुआ मिलता है रॉयल एनफील्ड, उसके अलावा जो इंजन पार्ट है वो भी पाउडरी ब्लैक कलर में दिया गया है जो कि पहले ग्रे में आता था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रॉयल एनफील्ड पहले इसके ऊपर काफ़ी सारे डिज़ाइन रहता था, अभी बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और क्रोम हटा के ब्लैक आउट पोर्शन दिया गया है। और बहुत सारी जगह पर ये आपको मिलेगा, इंजन मडगार्ड जो पहले क्रोम में आता था अभी वो ग्लॉसी कर दिया गया है, और व्हील रिम्स पर भी क्रोम हटा के ब्लैक दिया गया है। इससे काफ़ी अच्छा आपको जो रस्टिंग प्रॉब्लम आता था पहले वो काफ़ी आपको कम महसूस होगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले क्रोम में आता था व्हील रिम्स के, व्हील के जो रिम्स है अभी ये कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट आता है। दोस्तों इसके अलावा अभी रॉयल एनफील्ड ने अपने जो बाइक्स हैं एक्स मॉडल्स उसके 40% कम ओनरशिप कॉस्ट लगेगी, यानी कि 40% कम मेंटेनेंस लगेगा, ऐसा ही क्लेम करते। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर रहा है, और पहले जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स थी उनको सर्विस 3 मंथ्स या फिर 3000 किलोमीटर्स के बाद बाद कराना पड़ता था। अभी ये नए जो मॉडल्स हैं इनमें 6 मंथ्स या फिर 6000 किलोमीटर्स के बाद बाद ही एक सर्विस होगा। इसके अलावा जो पहले इसमें इंजन ऑयल यूज़ होता था वो 6 महीने या फिर 6000 किलोमीटर्स के बाद ही चेंज होता था। अभी ये एक नया सेमी सिंथेटिक ऑयल रॉयल एनफील्ड इसके साथ दे रहा है, इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है बाइक के साथ, जिसमें आपको 12 मंथ्स या फिर 12000 किलोमीटर्स के बाद ही इसका जो इंजन ऑयल है वो चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ड्रेन इंटरवल काफ़ी बढ़ा दिया है इन्होंने। और ये इसीलिए है क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और ये आपको बुलेट, क्लासिक और थंडरबर्ड यही 3 मॉडल्स में मिलेंगे। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि अभी ये मॉडल 9000 रुपीज़ पहले से चीपर है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों इसके अलावा और कोई भी इसमें मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजित। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों हेडलैम्प आप देख सकते हैं, 2 पायलट लैम्प जो टाइगर आइज कहते हैं रॉयल एनफील्ड, उसके साथ एक ओल्ड स्कूल गोल फुल्ली डीसी कनेक्टेड 55x60W का हेडलैम्प आपको मिलेगा, क्लासिक लुकिंग इंडिकेटर्स मिलेंगे, और ये मडगार्ड आप देख सकते हैं दोस्तों पहले क्रोम में आता था, अभी ये ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि रस्टिंग प्रॉब्लम काफ़ी आपको कम आने वाला है ब्लैक आउट पोर्शंस में। मीटर कंसोल वही है बिल्कुल ही, यहाँ पे एक बेसिक मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें आपको ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के अलावा जो मिनिमलिस्टिक जो इंडिकेशंस रहते हैं जो हाई बीम, लो बीम, फुल लेवल और ABS के इंडिकेशंस ये मिल जाएंगे। मीटर कंसोल में एक अपग्रेड अभी आना ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है। स्विच गियर क्वालिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमेशा से ही आता था, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैंडल बार है, आप अपराइट पोजीशन में यहाँ पे बैठ सकते हैं। दोस्तों गौर करने की बात यह है कि स्टैंडर्ड जो एडिशन है इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट में नहीं मिलेगा, बगल में जो ES है उसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा। इन दोनों में लगभग कलर और जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है यही फर्क है इन दोनों मॉडल्स में। टैंक आप देख सकते हैं 13.5 लीटर्स का टैंक है, और जैसे कि मैं आपको कह रहा था रॉयल एनफील्ड पहले थोड़े और भी डिज़ाइंड तरीके से लिखा इस पे एनग्रेव्ड था, अभी ये चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सीट्स पर आते हैं दोस्तों, तो रिब्ड पैटर्न यहाँ पे सीट्स दिया गया है, यूनिबॉडी सीट है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, दोनों यहाँ पे राइडर और पिलियन दोनों ही आराम से बैठ के इसमें क्रूज कर सकते हैं। अगर पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक है, आपको बहुत ही एक बेसिक सा बल्ब सेटअप मिल जाएंगे पीछे की जो बैक लैंप है, और इंडिकेटर्स भी यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल टाइप और क्लासिक ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। दोस्तों अगर हम साइड में देखें तो साइड में भी बिल्कुल वही है, एक बैटरी का बॉक्स मिलता है और बुलेट 350 यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ टूल्स आप इसके अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आते हैं इंजन पर तो इंजन वही है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल ट्विन स्पार्क 346 cc का इंजन है, पावर है 19.8 एट 5250 rpm, टॉर्क है 28 Nm एट 4000 rpm, 5-speed गियरबॉक्स है, और इसमें सिर्फ किक स्टार्ट दिया गया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड KS मॉडल यानी कि किक स्टार्ट मॉडल है। अब देख सकते हैं ब्लैक्ड आउट इंजन अभी दिया गया है, और इसका जो साइलेंसर है वो क्रोम फिनिश में आता है। टॉप स्पीड लगभग आपको यहाँ पे
130 के आसपास मिलेगा। अब ये चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों साइड से और इस एंगल से कुछ इस तरीके का ये कंप्लीट दिख जाता है, ये आप देख सकते हैं। साइड में जो ES मॉडल है इससे इसका यही फ़र्क है कि कलर डिफरेंसेस मिलेगा और ES मॉडल में आपको किक स्टार्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम सस्पेंशन और टायर्स को देखें तो फ्रंट में आपको 35mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS मिलेगा, ABS की स्टिकरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट की तरफ 280mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा और 19 इंच के ट्यूब टायर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। स्पोक व्हील्स है तो ट्यूब टायर्स आते हैं और रिब्ड पैटर्न यहाँ पे टायर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये टायर C8 की तरफ से है, रिब्ड पैटर्न होने के वजह से ये बेटर ज़्यादा किलोमीटर्स चलेगा, ज़्यादा लॉन्जिविटी इसमें होगा। और जैसे कि मैं आपको कह रहा था ट्यूब वाले टायर से 3.25 इसका साइज है, मतलब 3/25/19 का ये ट्यूब वाले टायर है। पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी हमें सस्पेंशन मिलता है, 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन। ये गैस चार्ज नहीं है क्योंकि कम बजट की बुलेट बाइक है इसीलिए, तो ये आप एडजस्ट कर सकते, काफ़ी अच्छे हैं सिटी और हाईवे राइडिंग के लिए। पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिलता है 153mm का और पीछे की जो टायर है वो भी 3.25 का 19 इंच के ट्यूब वाले टायर है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है और पीछे आपको ABS तो नहीं मिलेगा लेकिन स्पीड सेंसर मिलेगा जिसे हम RLP सेंसर भी कहते हैं, जो कि ABS को बेटर तरीके से वर्क करने में मदद करता है। और सेमी ऑफ रोडिंग पैटर्न के थोड़े पतले टायर्स दिए गए हैं जिससे बेटर आप स्पीड अचीव कर सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़े ब्लॉक पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं टायर में जो बेटर तरीके से और बेटर स्पीड गेन करने में मदद करता है। ये भी दोनों ही टायर्स यहाँ पे C8 की तरफ से है, आप देख सकते हैं 3/25/19 का टायर है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 135mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि सिटी और हाईवे में लगभग एनाफ है। वेट यहाँ पे 186kg का है और रॉयल इनफील्ड बाइक्स हमेशा से ही वेट इनका काफ़ी ज़्यादा होता है तो यही वेट है। DC इलेक्ट्रिकल्स यूज़ होता है और माइलेज लगभग आपको 35 से लेकर 40 किलोमीटर्स के बीच में मिल जाएंगे। कोलकाता में ऑन रोड प्राइस लगभग इसका 1.34 लाख है जो कि फिलहाल में बुलेट में सबसे कम प्राइस में ये बाइक है, तो मोस्ट अफोर्डेबल बुलेट हम इसे कह सकते हैं। ओनरशिप कॉस्ट को कम करके बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और मेंटेनेबल ये बाइक को पहले से बना दिया गया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और कमेंट में बताइए कि ये बाइक आपको कैसा लगा, और अगर आप इसे ओन करना चाहते हैं वो भी बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और फिर मिलते किसी नए किसी वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।